भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच बेहद रोमांचक हो गया है। बता दें आपको कि पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए 219 रनों की दरकार है। इससे पहले दूसरी पारी में टीम इंडिया 307 रनों पर ढेर हो गई और ऑस्ट्रेलिया को 323 रनों का लक्ष्य मिला। आपको बता दें कि इस मैच में बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर पहली बार बल्लेबाजी कोच संजय बागड़ ने बयान दिया है। संजय बागड़ ने कहा कि हालांकि हमारे बल्लेबाजों ने प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन कुछ बल्लेबाजों को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। बागड़ ने कहा कि अगर आपको विदेशों में लगातार जीत दर्ज करनी है तो आपको बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपका टीम में होने का मतलब नहीं है। संजय बांगड़ का इशारा साफ था कि वो खिलाड़ी जो लगातार प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो अब सुधर जाएं और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, क्योंकि अगर प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा तो टीम में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय बांगड़ के बयान क्या टीम इंडिया के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करने पर मजबूर कर पाता है या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।